स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.3 कंटिन्यू करेंगे. द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये एबीसी जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको दिया है. विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. मतलब ये जो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी है, ये क्या है, ये रिस्पेक्टिवली सेंटर्स है और वो तीन सर्कल्स के. एंड ए बी की जो भी लेंथ है उसका हाफ लेंथ, मतलब हाफ ए बी, हाफ बी सी एंड हाफ ए सी क्या है, रेडियस है वो तीन सर्कल्स रिस्पेक्टिवली के. समझ आया. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. नाउ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन में दिया है. Use pi is equal to 3.14 and use root 3 is equal to 1.73205. ठीक है. So यहाँ पे आप इस root 3 की value round off नहीं करोगे, final answer में आप round off कर सकते हो. ठीक है. So क्या होगा shaded region? Area of triangle ABC minus area of these three sectors. So area of triangle ABC क्या होगा, root 3 by 4 a square. That is root 3 by 4 into side square. Now this is given as 17,320.5 centimeter square. So आपको side मिल जाएगा, मतलब equilateral triangle के sides मिल जाएंगे आपको. So side square क्या होगा, this multiplied by 4 divide by 1.73205. देखो, so 1.73205 upon 4 into side square is equal to this. So देखो यहाँ पे खाली decimal का फर्क है, मतलब नंबर पूरा सेम है, सब डेसिमल निकाल दो उतना जीरोस लगा के डिनोमिनेटर में. सो आपको क्या मिलेगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर. सो साइड क्या हो गया, 200. दैट मींस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स. नाउ रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या था, हाफ ऑफ दैट साइड, मतलब 200 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. वाई, बिकॉज इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री ईच. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दैट इज यहाँ थीटा क्या है, 60. दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू 3.14. वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. सो ये क्या हो जाएगा, 314 अपॉन 100, क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया फॉर इजी कैलकुलेशन, इंटू 100 इंटू 100. सो 100 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36. फिर उसको सॉल्व करो, 3 के टेबल, 2 के टेबल से करो, 2 3 जा 6. फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14. सो आपको मिलेगा फिर 157 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 2 इंटू 157 इज 314. सो ये समझ आया. सो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ वन सेक्टर. क्यों, क्योंकि सेक्टर्स क्या है, इक्वल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. करेक्ट. सो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 157,00/3, 3 3 कैंसिल. सो एरिया ऑफ 3 इक्वल सेक्टर्स इज 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 इक्वल सेक्टर्स. That is 17,320.5 minus 15,700, which is equal to 1,620.5 centimeter square. समझ आया? Next, on a square handkerchief, मतलब एक square shape के रुमाल में, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. मतलब क्या? वो square handkerchief में 9 circles बनाए हैं, और उन circles में क्या है? Design, ठीक है? हर एक का रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर, मतलब 9 के 9 सर्कल्स इक्वल है साइज में. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ. वेरी इजी, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स. नाउ सिंस द सर्कल्स टच ईच अदर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल. अब देखो यहाँ पे ये जो तीन सर्कल्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इन अगर इन तीनों सर्कल्स के जो डायामीटर है, इन तीनों सर्कल्स के डायामीटर को आप ऐड कर दो, सो दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर. करेक्ट. सो इसीलिए अब यहाँ पे आपको रेडियस दिया है, डायामीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस. दैट इज डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस.
सो यहाँ पे क्योंकि तीन सर्कल्स एक रो में हैं, इसीलिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, सो विच इज इक्वल टू 3 टू 6, 6 7 42 सेंटीमीटर. सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा, व्हाट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड स्क्वायर. सो 42 इंटू 42 विच इज इक्वल टू 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द, अब 9 सर्कल्स के एरिया ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ वन सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 9. व्हाई, क्योंकि सर्कल्स आर इक्वल इन साइज एंड साइज. सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22 बाई 7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. सो टोटल एरिया ऑफ 9 सर्कल्स क्या होगा, 9 इंटू 154 विच इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, दैट इज 1764 माइनस 1386 विच इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ आया. नेक्स्ट ओ ए सी डी, देखो ओ ए सी बी, दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर्स. मतलब यहाँ पे ओ बी क्या है, 3.5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ओ क्या है, सेंटर. सो ओ बी क्या हुआ, रेडियस. इफ ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी एंड द शेडेड रीजन. सो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर्स. करेक्ट. सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल जब चार इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है सो हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. करेक्ट, ये क्वाड्रेंट हुआ. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एक क्वाड्रेंट ढूंढ रहे हैं. करेक्ट. सो दैट इज 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, डेसिमल हटा दोगे, सो क्या हो जाएगा, 35/10 इंटू 35/10, सो कितना हुआ, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी, यहाँ ओ इज द सेंटर. करेक्ट. सो हाफ इंटू बेस बीओ इंटू हाइट ओडी, दैट इज हाफ इंटू 3.5. क्यों, क्योंकि रेडियस दिया है 3.5 एंड ओ बी क्या हो गया आपका रेडियस. इजी कैलकुलेशन के लिए मैं डेसिमल हटा दूंगी, सो हाफ इंटू 35/10 इंटू ओडी इज गिवेन एज 2 इन द क्वेश्चन. सो क्या हुआ, 2 कैंसिल, 35/10 कैसे रिड्यूस करोगे, 5 के टेबल से, 5 7 35, 5 2 10, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी, दैट इज 77/8 माइनस 7/2. एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8. सो 77 माइनस 28/8 विच इज इक्वल टू 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट अ स्क्वायर ओ ए बी सी, स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू. मतलब क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, एक स्क्वायर. इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. वेरी इजी, कैसे करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, सबको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा. नाउ अब हम ये कंस्ट्रक्शन कर, मैंने बोला जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे आप क्या करोगे, आप सोल्यूशन में मेंशन करोगे कि कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ बी. सो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आई विल जॉइन ओ बी. ठीक है. सो अब नाउ क्योंकि स्क्वायर है, मतलब इन अ स्क्वायर ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच. सो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, एंगल ए विल बी 90 डिग्री. सो यू कैन इजीली यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर, दैट इज द हाइपरटेन्यूज स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 800. सो ओ बी क्या हुआ, रूट ऑफ 800, दैट इज 20√2 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, OB क्या है, OB इज नथिंग बट योर रेडियस. क्यों, क्योंकि जब एक क्वाड्रेंट के अंदर जो स्क्वायर इंस्क्राइब होता है, सो द स्क्वायर का डायगोनल होता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल.
So radius of the circle is equal to 20 root 2 centimeters. So what will be the area of the quadrant? Area of the quadrant is equal to 1 by 4 pi r square, that is 1 by 4 into 3.14. क्योंकि question में दिया है use pi is equal to 3.14. Easy calculation के लिए मैं decimal हटा रही हूँ. So 1 by 4 into 314 upon 100 into 800. क्यों? क्योंकि r square यहाँ पे 800 है. Radius देखो, OB is equal to radius, तो मतलब OB square is equal to r square. इसीलिए आर स्क्वायर की जगह मैं 800 लिख रही हूँ. सो यहाँ पे 0 0 ऐसे ही कट गया, यहाँ बचा 8. सो 4 1 4 2 8. सो 314 into 2 इज 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू OABC 20 into 20, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज 628 माइनस 400, that is 228 centimeter square. समझ आया? Next, AB and CD respectively. देखो, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. मतलब जो आपका बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर. एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. सेंटर क्या है? ओम. एंगल AOB इज इक्वल टू 30 degrees. मतलब थीटा और एंगल AOB कितना है? 30 degrees. अगर AOB 30 है, मतलब COD भी 30 degree हो गया, करेक्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वेरी इजी. एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, देखो, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. सो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल R. कैपिटल R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 degrees. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है. दैट इज 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, दैट इज 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर कितना है? 7 सेंटीमीटर. एंड सेक्टर एंगल थीटा इज 30. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा? 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, दैट इज 231/2 माइनस 77/6, दैट इज 693 माइनस 77/6, क्योंकि एलसीएम क्या होगा? 6, विच इज इक्वल टू 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. समझ आया? नेक्स्ट, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. मतलब यहाँ क्या? ABC ये पूरा ABC is a quadrant of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as the diameter. ये BC क्या है? Diameter है of this semicircle BQC. Find the area of the shaded region. Now area of sector का क्या formula है? Theta upon 360 into pi r square. थीटा क्या है यहाँ पे? 90, ठीक है. सो 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14. सो इंटू 14 इंटू 14, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 14 इंटू 14, दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी? देखो यहाँ पे ये क्या है? ये पी है एंड ये क्यू है. सो एरिया ऑफ ये सेगमेंट बीपीसी का एरिया क्या होगा? जो कि आपका क्वाड्रेंट का एरिया आपको मिला था 154, एरिया ऑफ जो सेक्टर का मिला 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज 154 माइनस 98, विच इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बीसी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, BC square is equal to AC square plus AB square, that is BC square is equal to 14 square plus 14 square, which is equal to 14 root 2 centimeter. ठीक है, समझ आया? So BC मिल गया 14 root 2 centimeter. So radius of triangle BQC क्या होगा? 14 root 2 upon 2, क्योंकि 14 root 2 जो BC है वो क्या है? Diameter. So कितना मिला? 7 root 2 centimeter, correct. So area of triangle BQC क्या होगा?
हाफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी क्यू सी क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि √2 × √2 क्या होगा 2, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट बी क्यू सी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी, दैट इज 154 माइनस 56 विच इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच. मतलब क्या, ये जो बीच में कॉमन डिजाइन है वो किसके बीच में है, दो क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स के बीच में जिसका रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब देखो यहाँ ए बी सी डी एक स्क्वायर है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी क्यू बी क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए डी क्यू बी क्या होगा, 1/4 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे एज अ सेक्टर यूज करेंगे. ठीक है, सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8, सो उतना आया. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी पी डी सी, कौन सा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बी पी डी सी को हम एज अ सेक्टर वापस से यूज करेंगे. ठीक है, विच इज इक्वल टू 22 × 16/7. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है. सो टोटल एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स और सेक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू दिस विच इज इक्वल टू 704/7. ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ टू सेक्टर्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 704/7 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.